सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। तो ये आज है 31 अक्टूबर, इस महीने का आखिरी दिन। सुबह के बच्चों के 5:30 और मैं हो रहा हूँ कॉलेज जाने के लिए रेडी। तो आज मैंने अपनी ग्रे वाली बढ़िया वाली टी शर्ट पहनी हुई है। तो रेडी होने के बाद हम चले जाते हैं मंदिर पूजा करने के लिए। आकर मैं सब अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं, निकल पड़ते हैं कॉलेज जाने के लिए। तो आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे निकलने पे, 7 बजे हम बस स्टॉप पे ही पहुँचे हैं। तो मुझे यहाँ पर फटाफट से वेट बस का वेट करना पड़ेगा। उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी बस मिल जाए। तो करीब आधा घंटा वेट करने के बाद हमें रेड वाली एसी बस मिल चुकी है 721। तो अभी मैं आज पहुंच चुका हूं धोलक कुआं। तो एक्चुअली जो बस मुझे 721 रेड वाली एसी मिली थी वो सागरपुर जाके ख़राब हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। और मैं जब उतरा तो मेरे साथ पूरी बस खाली हुई। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो पीछे 721 आएगी उसमें सब भरे हुए लोग आएंगे, और जी आए जो उतरी हुई सवारी ये भी उसी बस में चलेगी। तो मैं सोचा कि मेट्रो से ही चला जाए। तो मेट्रो भी सबसे पहले मैं सोचा मैं कि धोलक कुआं आ जाता हूँ, वहाँ से मुझे मोरीगढ़ की बस मिल जाएगी। पर यहाँ पर भी मैंने 5 मिनट वेट किया, बस नहीं आई। तो मैंने सोचा यहाँ पे डिसाइड किया कि हम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से चलते हैं आज। तो मैं यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ, ये ONGC धोलक कुआं का आप देख सकते हो मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है जो। तो मैं हो चुका हूँ एंटर मेट्रो के अंदर। तो मैं इस मेट्रो स्टेशन पर पहली बार आया हूँ, तो ये काफ़ी अलग सा है। तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पूरा खाली सा है लगभग, ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं नहीं, एक दो लोग ही हैं मुझे मिलाकर। तो करीब 15 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पे मुझे मेट्रो मिल चुकी है, और ये मेट्रो अंदर से बिल्कुल अलग सी है, आप देख सकते हो। तो मेट्रो चल चुकी है, तो इस मेट्रो में पहली बार बैठा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है अंदर से। तो गाइस यार मेट्रो की स्पीड एकदम मस्त है, फटाफट से हम पहुँच जाएंगे नई दिल्ली। तो बज चुके हैं 9:30 और थक हार के हम पहुंच गए ISBT कश्मीरी गेट। यहाँ से अब हम 0 बजे की बस का वेट करेंगे। तो 9:30 बज चुके हैं, पहला पीरियड हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम सीधा सेकेंड पीरियड में एंट्री करेंगे। तो मुझे मिल चुकी है 0 बजे की बस इलेक्ट्रिक 253 यमुना विहार। तो आज बच्चे भी कम थे और आगे के पीरियड हमारे कैंसिल हो गए, तो हम लंच के बाद सीधा घर जाने के लिए निकल चुके हैं। हम पहुँचेंगे शास्त्री पार्क, यहाँ से हम बस मिल जाएगी अपने घर के लिए। तो घर आके मैंने अपना फटाफट से स्टडी सेशन फॉलो किया बिना किसी टाइम वेस्ट करे। शाम होते ही मैंने आज ओट्स नहीं थे, तो आज हमने यूपी बनाएंगे। तो हमारी यूपी हो चुकी है रेडी, तो हम इसको एंजॉय करके फिर चलते हैं जिम। तो 6 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अपने जिम, जहाँ पे आज हम ट्रेन करेंगे अपने बैक और आर्म्स। तो आज है ट्यूसडे, तो हम जाएंगे जिम के बाद प्रसाद लेने। तो यहाँ आप देख सकते हैं करवा चौथ की फेस्टिवल सीजन की वजह से कितनी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ सामान लेना भी मुश्किल हुई। तो घर आके हमने मस्त अपना खाना एंजॉय किया। तो थोड़ी देर बाद ही पापा का फ़ोन आ गया रेलवे स्टेशन से कि पिकअप करने के लिए आ जाना चाहिए। तो हम फटाफट से पहुँच गए रेलवे स्टेशन, जहाँ से दोनों तरफ से ट्रेन आ रही थी, मुझे यहाँ से दिख रही हैं, शायद आपको नहीं अभी दिख रही होंगी, अभी दिख जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि दोनों तरफ से ट्रेन आ रही है, और इस तरफ से आ रही है पापा की ट्रेन। तीन
यार, तो ये गाड़ी के साथ है।